हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सर आपका सर ऑडिटिंग कवर बहुत अच्छा हुआ होगा और सर मेरी कुछ मेहनत आपके काम आई होगी जो सर मैंने रिवीजन वीडियो में, क्लासेस में, एमसीक्यूज में और बहुत सारी चीज़ों में करी थी। अगर आई हो तो भाई दुआओं में याद रख लेना। अब सर बात करते हैं जल्दी से सर अपने EIS SM या फिर ITSM के पेपर के बारे में। देखो भाइयों, मित्रों, दोस्तों, प्यारो, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब से सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं पहले क्या पढूं, तो मैं सर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो है ना आप भाई SM उठा लो और SM का सर अपने आपको टाइम बाउंड मैनर में रख के काम करना। अगर सर आप SM के ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये कि भाई हो SM का पूरा का ओल्ड कोर्स जो है हमने रिवाइज करके EDU 91 पे अपलोड कर दिया है, यानी कि आपके पास कंप्लीट रिवीजन वीडियो जो है अवेलेबल है ओल्ड कोर्स की, राइट। न्यू कोर्स वालों आप भी सुन लो, आप अपना बेंचमार्क बना के चलो। सारे ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स वाले SM के किसी भी चैप्टर को आधे पौने घंटे से ज़्यादा नहीं दोगे। अगर मैं आधा पौना घंटा बोलता हूँ तो 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर सर आप लोग 4 घंटे मैक्सिमम 4.5 या 5 घंटे में रिवाइज कर सकते हो न्यू कोर्स के, और न्यू कोर्स के सर ओल्ड कोर्स के सर अगेन वही 4 घंटे में सारे के सारे चैप्टर जो है रिवाइज कर सकते हो। पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखना, SM में क्वेश्चन जरूर रीड करना, क्वेश्चंस। कभी कभी क्या होता है सर, आपको आंसर आता होता है लेकिन आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको कभी कभी आंसर आता था लेकिन क्वेश्चन नहीं पता होता कि क्या पूछ रहा है। अगर पता चल जाए क्या पूछ रहा है तो सर हम शायद आंसर सही वाला लिखाते, राइट। तो अपने क्वेश्चन पे भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, केस स्टडीज जहां भी दिखे जरूर एक बार रीड कीजिएगा उनको। बाकी पढ़ने का स्टाइल सर अपना वही रहेगा, इस समय सर कुछ भी नया पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, रीडिंग करनी है, हाथ रखना है, 4 बार बोल के देखना है, टाइम मिले तो लिख के देखना, आगे बढ़ना है। साथ मम्मी या पापा या भाई या बहन बैठे हैं जो थोड़े कोऑपरेटिव हैं तो सर उनको तुरंत जल्दी से सुना देना है कि भाई आपने क्या पढ़ा, राइट। हेडिंग पे ध्यान दीजिए, एक्सप्लेनेशन सिर्फ रीड कर लीजिए, हेडिंग को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट कीजिए, राइट। इतना काम आप करेंगे सर बहुत हो जाएगा। सेम रणनीति सर आपने अपनानी है सर EIS में या फिर IT में। आपने सर अगर अभी किसी भी चीज से आपको डर लग रहा है तो आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करना शुरू कर दीजिए EIS और IT की, बाकी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हेडिंग्स में जैसा मैंने आपको समझाया सर अपने SM के लिए, वैसा सेम काम सर आपने अपने EIS के लिए भी करना है। अगर सर आप ऐसा कर लेते तो सर आप आराम से सारी हेडिंग्स रिवाइज कर पाएंगे। और कोशिश करिएगा, हो सके तो 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा सर पूरे कोर्स को। हो सकता है SM सर सोचो 4 घंटे में, EIS मान लो 10 घंटे में, 14 घंटे में सर आपने सर कोर्स रिवाइज कर लिया एक बार और आपके पास 14 घंटे से ज्यादा समय है, है ना। तो करिएगा सर कोशिश कि 2 बार के आसपास सर आपकी हेडिंग्स रिवाइज हो जाएं। एक छोटी कॉपी आपने बना लेनी है जिसमें सर हेडिंग्स लिखते जाएंगे, ताकि सर जब एग्जाम सिचुएशन सेंटर पर भी जा रहे होंगे तो भी सर एक आधी बार जो है हेडिंग्स को ओवर भी लिखते जाएं, राइट। अब पेपर में जाके घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। ऑडिट पेपर क्यों अच्छा हुआ है बच्चों को मैं आपको बता देता हूं सर, MCQs और आपके ट्रू फॉल्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। मेरी प्रेडिक्शन सर यही है, इस पेपर में सर पास होने का उपाय तो आपका हो ही गया। एक बात मैं आपको सर गारंटी के साथ देता हूँ, EIS का पेपर कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान और डायरेक्ट आने वाला है। SM के पेपर में सर आपको थोड़ा सा तोड़ सकते हैं ये लोग, तो उससे घबराइएगा मत। मैं फिर बोलता हूँ, SM में क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आपको आता होगा पक्की बात, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया है। और सर अगर SM में कोई जेनरिक क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि IPL चल रहा है, IPL से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो IPL है वो किस किस के लिए वीकनेस है, कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए वीकनेस बन रहा है, थ्रेट बन रहा है, सॉरी, तो आपको सर अकॉर्डिंगली बताना चाहिए कि बॉलीवुड के लिए थ्रेट बन रहा है, डेली सोप्स के लिए थ्रेट बन रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो ये सारी बातें सर ध्यान में रखिएगा और पेपर पूरा करके आइएगा। अगर कल आपके ओल्ड कोर्स के पेपर हो जाए खत्म तो खुशियां मनाइएगा, और अगर सर आपको ऑडिट में मेरा पढ़ाया हुआ मेरी सर वीडियोज अच्छी लगी तो अपने जूनियर्स को बताइएगा कि ऑडिट की क्लासेस कहां से लेनी, क्योंकि सेल इज ऑन, राइट। और साथ साथ में गाइस एक खास बात आपके लिए और, कि FM ECO के लिए भी सर मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करूं, आप कैसे प्रिपेयर कर पाएं जो न्यू कोर्स वाले बच्चे हैं, राइट गाइस। तो इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं, आखिरी है भाई ओल्ड वालों का। मुझे पता है आप लोग ब्लश कर रहे हैं, खुशी की लहर दौड़ रही है, सब ठीक है, लेकिन सर अब बस ये आखिरी बार अच्छे से दीजिएगा, इसको ज़्यादा एक्साइटमेंट में खराब मत कर दीजिएगा, राइट। और जो भी आपके पेपर में सर गड़बड़ आपको लगता हो रही है, टिक के नहीं लगे, गोले नहीं भरे, नाम नहीं लिखा, रोल नंबर रह गया, रिलैक्स रहो, चिल्ड आउट रहो, अपने पेपर पे ध्यान लगाओ, ये सब मिस्टेक्स होती रहती हैं, अगले पेपर में नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। और हाँ, MCQ वाली भाई पेपर क्वेश्चन में घर उठा के मत लिया ना। टैक्स के पेपर में एक बच्चा ले आया था, फिर उसको आईसे से फोन आया, प्लीज़ MCQ वाले पेपर्स अपने पास कैरी ना करें, जो आपको मिलते हैं MCQ उसके लिए OMR शीट मिलती है, जो भी आपको वो क्वेश्चन में मिलता है, प्लीज़ उसे अपने साथ कैरी ना करें सर, वो आईसे अलाउ नहीं करता है, राइट। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो मित्रों दोस्तों प्यारों जीतना बंद। बाय बाय।